हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आंखों के लिए कौन से ऐसे पदार्थ है, कौन से ऐसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जो आंखों के लिए अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, और न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है आंखों के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे आई डिसीजेस हैं जैसे कैटरेक्ट हो गया, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो गया, तो इसके आने का रिस्क बहुत कम किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर डाइट जो आई के लिए हेल्दी है वैसा अगर कंज्यूम करें। तो पहले देखते हैं कि आंखों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड। और लास्ट में हम ऐसे 8 फूड्स देखेंगे, ऐसे 8 पदार्थ देखेंगे जो इन सबका कॉम्बिनेशन होगा। और इसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे आवश्यक है आँख की हेल्थ के लिए, वो है विटामिन ए। ये हम सभी जानते हैं, पर विटामिन ए का क्या रोल है? तो देखिए, जो हमारा पीछे का पर्दा है रेटिना, उसमें जो इमेज बनती है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट जो जब निकलती है और वो कन्वर्ट होती है इमेज में, तो यहाँ पे विटामिन ए का रोल आता है। इसीलिए हमारे पीछे के पर्दे को बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए लगता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन विटामिन ए का है कि वो ड्राइनेस प्रिवेंट करता है, मतलब वो आंखों में नमी बनाए रखता है, सूखापन नहीं आने देता। तो अभी जानते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ है जिनमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम जैसे सब जानते हैं वो है कैरेट्स, मतलब गाजर। फिर आता है स्वीट पोटैटोज, मतलब शकरकंद। फिर है खरबूजा, पालक, ब्रोकोली और अप्रिकॉट्स, मतलब जिसे हिंदी में खुबानी कहते हैं। तो ये सारे विटामिन ए के रिच सोर्सेस हो गए। अब आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी क्यों ज़रूरी है आंखों के लिए? तो देखिए, बॉडी में जब भी हम फ्राइड फूड्स खाते हैं या सनरेज की वजह से या टोबैको स्मोकिंग की वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स जो हमारे सेल्स हैं उन्हें डैमेज करता है। तो विटामिन सी रिपेयरिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है और साथ साथ ही नए सेल्स की ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। विटामिन सी के रिच सोर्सेस क्या क्या हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, पीच, मतलब जिसे आड़ू कहते हैं। फिर है लाल शिमला मिर्च, टमाटर और स्ट्रॉबेरीज। तो ये हो गए विटामिन सी के रिच सोर्सेस। अब हम आते हैं विटामिन ई पे। तो विटामिन ई क्या क्या रोल है? बेसिकली ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और आंखों के सेल्स को हेल्दी रखता है। तो इसके रिच सोर्सेस क्या क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम डेली खा सकते हैं वो है बादाम। सेकेंड है पम्पकिन, मतलब कद्दू। फिर है सनफ्लावर सीड्स। अब देखते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या रोल है आंखों में। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आंखों में नमी बनाए रखता है। बेसिकली इसका काम होता है कि जो अश्रु की परत होती है उसे हेल्दी रखे, जो उनकी मतलब अश्रु की जो क्वालिटी होती है उसे मेंटेन रखने का काम करता है, और जो भी थोड़ा इन्फ्लेमेशन मतलब थोड़ी सूजन अगर आंखों में आ जाए तो उसे वो कम करता है। अभी जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें किन पदार्थों से मिल सकता है। तो सबसे रिच सोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड का है फिश। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश ये बेस्ट सोर्स है। फिश ऑयल कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिया सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स आती हैं, कद्दू के बीज आते हैं, अखरोट आते हैं। तो ये सारे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच सोर्सेस हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं जिसमें विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पर अभी हम ऐसी एक लिस्ट देखते हैं जिनमें इन सब का कॉम्बिनेशन हो और वो इजीली अवेलेबल हो। तो उसमें सबसे पहले है पालक, फिर सेकंड है केल या ब्रोकोली। केल भी ब्रोकोली समान ही दिखती है, वो भी एक हरी पत्तेदार सब्जी ही होती है। फिर थर्ड है ऑरेंज, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ इनमें से एक आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, इनमें से कोई भी एक। फिर फोर्थ नंबर पे है बादाम। फिर फिफ्थ है कैरेट्स, मतलब गाजर। सिक्स्थ है स्वीट पोटैटोस, मतलब शकरकंद। सेवेंथ है लाल शिमला मिर्च, और एट्थ है फिश या एग्स। तो ये अगर हम हमारे डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ओवरऑल हमारी आईज हेल्दी रहेगी। और कुछ पेशेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या हम विटामिन्स के सप्लीमेंट लें। तो आप विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं, या उसकी क्वालिटी ख़राब है, या फिर कुछ कुछ फ्रूट्स सीजनल होते हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे टाइम में आप विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, पर बेस्ट होगा कि आप नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से वो कंज्यूम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं आई हेल्थ को मेंटेन करने के लिए।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।